चार बुलाक है ना सरगोदा, सरगोदे दे विच एक जगह है चार बुलाक, उत्थे एक जमात ने निफाज़े इस्लाम दे नाम ते, शरीयत दे निफाज़ दे नाम ते उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी। ओ बड़े बड़े उलमा उन्हें बुलाए, उन्हें फिर अपने अपने खिताबात के अंदर दसिया जी शरीयत नाफिज होनी चाहिए है मुल्क के अंदर, तो असं मुतालबा करने आए वक्त दे वजीर आजम के सामने, शरीयत का निफाज होना चाहिए, निफाज शरीयत दे उसूल ते अकामात होने चाहिए। अच्छा जितने भी हैं उन्होंने आखिरी मेहमान खसूसी जड़े हैं वह मेरे वालिद मोहतरम हज़रत अलामा अहमद सईद खान रहमतुल्लाह अलैह। ओ जी ना जिस जमात ने कॉन्फ्रेंस रखी उन्हें यह समझिया भी जे थोड़ी अलामा अहमद सईद मुल्तानी ना बुलाया जाए उस वक्त तक अवाम आवनी कोई नहीं, इस वास्ते उन्होंने उस अवाम की वजह तो वाले साहब होरां नूं दावत दे दिता। हुण उन्होंने चलाकी यह की भी रात कितना ही मगरब तो बाद जलसा उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बिठाई रखिया बिठाई रखिया बिठाई रखिया, बे इन्हू छेकर दे दिसा टाइम जे पहले दितो से ते सारा मेला तुर वैणे। उन्हें बहा 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 सुबह चार बजे वाले साहब नू उन्हें टाइम, सारी रात उन्होंने मौलवी लगे रहे करते रहे कर, वो फिर हन कुछ थोड़े जे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे भी खिलाफ वो तकरीरां करदे रह गए। भारत जितने भी मौलवी बयानात करदे रहे वो सारी रिपोर्ट वाले साहब होरां नूं भी मिलती रही। सुबह चार बजे जदा गए ना स्टेज ते तो अवाम इस इंतजार च होए भई हुण अलामा साहब आवेन तां असां उन्हां दी सुन के वजी एक खुदा उन्होंने एक ऐसी इज्जत शर्फ दिता होया है कि भावे सारी सारी रात ही गुजर जावे हा अवाम दे दिलों के अंदर उन्होंने कुरान सुन का इश्तियाक उस तरह ही बरकरार रहा। किथे मगरब तो लैके ते सुबह चार बजे तक अवाम मुंतजर, वाले साहब और आए उन्होंने बस इन दो चार मिनट पहले खुतबा पढ़ के तो ना थड़े ही ओ जड़ी उन्हां दी सारी रात दिया तकरीरां सारी रात। उन्हें फरमाया मैं इन्हां मौलवियां तो हैरान ये सारी रात इन्हां खप पाई रखी है जी निफाज़े शरीयत हो निफाज़े शरीयत हो, जिस तू तुसा आप निफाज़े शरीयत का मुतालबा पै कर दे ओ दे अपने मुंह तो शरीयत लभदी कोई नहीं, ओ आप तो कलीन शेवे मैं तुसा मुलवाने तो हैरान आ, निफाज शरीयत तो वो करे ना जेड़ा सब तो पहले अपने वजूद ते नबी दी शरीयत दा निफाज जाहिर करे। ओ सारी रात दे उन्हां दी खप दुत्ते उन्हां उठाई मैड़ा फेर दिता। बाद दे अंदर जदों फारिग हो के चले गए उन्होंने जो सारी रात की मेहनत खत्म हो गई, वाले साहब ने निकले तो मेजबाना फिर अब्बा जी का सलाम लवना गवारा। असा मौलविया ने दुकानदारियां चमकाइया हुई निफाज़े शरीयत निफाज़े शरीयत अपने दिल च अज तोड़ी इस्लाम वरी आई नहीं, अपने वजूद ते इस्लाम नाफिज कर सकिया ही नहीं, जेड़ा अपने आप नू मुसलमान सड़वाइंदा है ओ जदा अपने वजूद ते इस्लाम नहीं नाफिज कर सकता ओदा क्या हक है जो किसे वक्त ते इक्तदार रखण वाले दे सामने मुतालबा करे जो शरीयत दा निफाज होवे। सब तो पहले निफाज किथे करिए बोलो तो सही यार, अपने अंदर तो इस्लाम है नहीं।